सो हेलो इंजीनियर्स, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पे ईंटें रखे जा रहे हैं जो कि एक ट्रैक्टर डंपर जिसमें भी आपके साइट में अवेलेबल होते हैं आते हैं, तो उन ईंटों को कैसे निकाला जाता है, कैसे उन्हें काउंट किया जाता है और एक ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर में कितने ईंटें आते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में इसी वीडियो में कम्प्लीटली बताऊँगा। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आप सभी का स्वागत है, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा। आज हम आ गए हैं साइट पर। जैसे आप देख पा रहे हो कि वहाँ पे एक साइट क्लीनिंग का थोड़ा सा प्रोसीजर हुआ है, बारिश हो जाने के कारण वहाँ पे अभी वर्क स्टार्ट नहीं हो पाया। थोड़ा सा बारिश का मौसम थोड़ा सा निकले फिर वहाँ पे आपके फाउंडेशन एक्सकवेशन ये सारी चीज़ें होंगी। उससे पहले मटेरियल्स स्टैक किए जा रहे हैं, तो अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ईंटें रखे हुए हैं, यहाँ पे आपके जो सैंड है रेती है उसको भी मंगवा के रख लिया गया है। सीमेंट अभी इसलिए नहीं मंगवाया गया है क्योंकि अभी यहाँ पे किसी तरह का कोई स्टोरेज रूम नहीं बनाए हैं, तो जब वहाँ पे काम होगा और स्टोरेज रूम बन जाएगा तो सीमेंट भी आ जाएंगे। अब बात करते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर जो रखी हुई है यहाँ पे। ये जो आपका डंपर है इसका जो साइज रहता है उस साइज में अभी इसमें प्रेजेंटली 4000 ब्रिक्स आए हैं। तो ये साइज का अगर आपके यहाँ ट्रैक्टर आ रहा है तो उसमें 4000 ईंटें रहते हैं। अगर ट्रैक्टर या ट्रॉली की बात करें तो ट्रैक्टर ट्रॉली में भी आपके लगभग 2000 ईंटें आ जाते हैं। सो इंजीनियर, जैसे मैं ये ब्रिक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे तो मैंने बोल दिया कि 4000 ब्रिक्स आ रही हैं, पर ये डिसाइड कौन करेगा कि 4000 ब्रिक्स की ज़रूरत है, 8000 ब्रिक्स की ज़रूरत है, 12000 ब्रिक्स की ज़रूरत है, कितने क्वांटिटी में मंगवाना है, उसका क्वांटिटी सर्वे करके प्रॉपरली कितना उसमें मोटार, जब इसका ब्रिक वर्क करेंगे तो कितना मोटार लगेगा, तो ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन जो ऑन साइट पे होती है वो कम्प्लीटली सिविल गुरुजी आप लोगों को सिखाता है। जैसे वहाँ पे रेती रखी हुई है ना, सैंड, अब वो उतना ही सैंड क्यों मंगवाया गया है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं मंगवाया गया, उससे कम क्यों नहीं मंगवाया गया, तो ये सारी चीज़ें जो साइट क्लीनिंग हो गई, उसके पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर की बात हो गई, स्टैकिंग हो गई, ये कम्प्लीट चीज़ें सिविल गुरुजी आप लोगों को सिखाता है अपनी 2 मंथ्स की फिजिटल ट्रेनिंग में। जी हाँ, फिजिटल, इंडिया की सबसे पहली फिजिटल ट्रेनिंग जो कि सिविल गुरुजी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें कम्प्लीटली आप लोग एस्टिमेशन, BBS, सर्वे, क्वांटिटी सर्वे, बिलिंग, ऐसी सारी चीज़ों को सीखते हैं जो कि आपको आपके साइट पे ज़रूरत होगी। तो बस आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के जरिया जरूर हम बनेंगे। बस आपको ये करना है कि तुरंत कॉल करना है 9111001234 पे, और कैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा के ऑफलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं हमारे इन रेस्पेक्टिव ब्रांचेस से जो कि आपके नियरेस्ट होम टाउन के पास में ही है। तो ये समझ लीजिए आप ट्रेनिंग नहीं, एक जॉब करने आएंगे, और उस जॉब में आपको अपना 100% देना है ताकि आप अपनी उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकें जिसके आप रियली में हकदार हैं। और एक रियल सिविल इंजीनियर क्या होता है, उसको सिर्फ बनना नहीं, उसको फील भी करना है। अब इनको रखने को और निकाल के रखने के लिए हमारे पास हमारे कुछ लेबर्स प्रेजेंट रहते हैं, जो भैया लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो जो भी ईंटें हैं इसको निकाल कर यहाँ स्टैक कर रहे हैं, तो स्टैक कैसे करते जा रहे हैं उसको भी रखने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है। देखिए यहाँ पे जो ये वाला फेज रहता है इसको हम लोग स्ट्रेचर बोलते हैं, ये वाले फेस को हेडर बोलते हैं। तो देखो कैसी लेयर बन रही है, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर। तो इस तरह का के अरेंजमेंट पे क्यों रख रहे हैं, ताकि ये ब्रिक्स गिरे ना जब वहाँ पे प्रॉपरली स्टैक रखवा दिया जाए। सही है ना, कि इस तरीके से रखने का मतलब यही है कि ईंटा गिरे ना। बिल्कुल हाँ, तो बस यही सारी चीजें हमारे अपने इंजीनियर्स हमारे व्यूअर्स को हम बता रहे हैं, ताकि साइट पे अगर आप ईंटें मंगवा रहे हैं अगर ये गिरते हैं तो वेस्टेज किसका होगा, और ऑलरेडी जो ट्रांसपोर्टेशन और ब्रेकेज वेस्टेज होता है रेड ब्रिक्स का वो अप टू 10% तक के रहता है। तो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए प्रॉपर आपको यहाँ पे स्टैकिंग करनी पड़ती है। और इस डंपर में आपके 4000 ब्रिक्स हैं, इसको काउंट कैसे करेंगे अपन, नॉर्मली एक लेयर में कितनी ब्रिक्स आई हैं फिर उसके ऊपर में कितनी लेयर्स हैं। अब मेरे को ये पता चल गया कि इस लाइन पे मेरे 20 ब्रिक्स मैंने रख दिया और इस लाइन पे मैंने 20 ब्रिक्स रख दिया, या जो भी यहाँ पे अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंगली मैं काउंट कर सकता हूँ। एक एक ईंटे को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को बस ये देखना होगा कि ये कितने लेंथ पे है और कितने विड्थ पे अपन इसको अरेंज करते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ इजिली काउंट कर लेंगे। बस ध्यान रखना हमको ये पड़ता है कि ईंटों को रखने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए। अब वो जो नॉर्मल मैं ट्रैक्टर ट्रॉली की बात कर रहा हूँ, अब सपोज़ आपको आपके साइट पे ब्रिक्स को मंगवाना है तो नॉर्मली आप ट्रैक्टर ट्रॉली या डंपर्स में बात करते हैं। सपोज़ आपको 10000 ब्रिक्स की ज़रूरत है,
तो 10,000 ब्रिक्स में, जैसे ये डंपर बड़ा वाला है इसमें 4,000 ब्रिक्स आते हैं, ट्रॉली में 2,000 ब्रिक्स आते हैं, तो ऑब्वियसली अगर मेरे को 10,000 ब्रिक्स मंगवाने होंगे तो दो डंपर एक ट्रॉली मंगवा लूंगा तो 10,000 ब्रिक्स आ जाएंगे। अब रेट की बात करें तो यहाँ पे ऐसा पर पीस पे नहीं चलता है। अगर आपको वहाँ पे साइट पे खड़े होकर अगर ईंटों का ऑर्डर देना है तो आपके पर पीसेस पे नहीं कि भैया 4 रुपये लगा रहा हूँ 5 रुपये लगा रहा हूँ, नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली इसका एक फिक्स्ड रेट होता है 4,000 ईंटों का 22,500 रुपये जो अभी करंट में रेट चल रहा है, ठीक है। तो 22,500 का है तो अब इसमें 4,000 ब्रिक्स हैं, ऑब्वियसली अगर अपन इसको डिवाइड कर ले तो अपने को एक ईंटे का वैल्यू मिल जाएगा लगभग 5.5 रुपये। वैसे ही ट्रॉलीज की बात करें तो ट्रॉलीज में भी आपके ऐसे 10,000, 12,000 रुपये, 14,000 रुपये ऐसे रेट्स अवेलेबल होते हैं। ऐसे ट्रक्स का रेट एक फिक्स होता है जिसमें 4,000 ब्रिक्स, ट्रॉली में 2,000 ब्रिक्स रहते हैं, उसका भी रेट अलग फिक्स रहता है। नंबर ऑफ पीसेस में आपको रेट नहीं मिलता है। तो साइट में खड़े होंगे आप तो नंबर्स में नहीं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज में आपको वहाँ पे साइट पे आपके मटेरियल्स को मंगवाना होगा। अब देखते हैं एक चीज़ और कि जैसे ये मेरा ईटा रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर में कुछ पोर्शन बना हुआ है, इसको फ्रॉक बोलते हैं। अब ये जो फ्रॉक की डेप्थ होती है ये लगभग 10 से 12 एमएम की रखते हैं। बेसिकली एक की जॉइंट शियर की जैसा वर्क करता है दो बॉन्डिंग्स के बीच में, ताकि अच्छी बॉन्डिंग प्रिपेयर हो सके। अगर नॉमिनल साइजेस की बात करें ब्रिक्स की तो ये वाला साइज की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे आ रहा है प्रॉपरली 90, है ना। अगर मैं इस साइज की बात करूँ तो यहाँ पे प्रॉपरली आपका 70 के आसपास कुछ आ रहा है। ये वाले डिस्टेंस की बात करूँ तो 100 एमएम के आसपास आ रहा है। तो ये वैरी कर सकते हैं, इसलिए ऐसी ब्रिक्स को नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स बोला जाता है। तो ये नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स है, बट अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं तो जो नॉमिनल साइज रहता है, मॉड्यूलर साइज रहता है, उसी के बेसिस पे करते हैं। अब एक और चीज़ बताता हूँ बहुत अच्छी। अब यहाँ पे तो ईंटें मंगवा दिया, अब मेरे को क्या पता फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है, थर्ड क्लास है, कौन सी ब्रिक है। नॉर्मल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में सेकेंड क्लास ब्रिक्स का यूज़ करना रहता है। अगर आपको पहचानना हो साइट में तो ये जो आपके पूरा रेक्टेंगुलर है ये परफेक्टली रेक्टेंगुलर होना चाहिए, इसके जो एजेस हैं वो शार्प होने चाहिए, अगर इसके कॉर्नर की बात करें तो प्रॉपरली आपका स्क्वायर होना चाहिए, और सेकेंड क्लास ब्रिक में आपके थोड़े बहुत क्रैक्स और डिस्टॉर्शन अलाउड रहते हैं। बट आप खुद सोचो कि यहाँ पे एजेस शार्प हैं क्या, ये जो आप ये साइड देख पा रहे हो कॉर्नर, ये स्क्वायर है क्या, नहीं, तो ये थर्ड क्लास ब्रिक है। तो ये थर्ड क्लास ब्रिक का भी हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल नॉर्मली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में आपके सेकेंड क्लास ब्रिक्स यूज़ होते हैं। तो ये हमारा कुछ क्लासिफिकेशन था ब्रिक का कि आप साइट पे कैसे पहचानेंगे कि जो ईटा है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रॉपरली आपकी स्टैकिंग रखी जा रही है, तो इसी तरह से पूरी अरेंजमेंट होती है। वहाँ पे साइट है, उससे थोड़े दूर पे जहाँ पे भी हमारे पास अवेलेबल है लोकेशन, वहाँ पे हम अपने मटेरियल्स को स्टैक करते हैं और स्टोर करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से एक रिकॉल करते हैं फटाक से कि एक डंपर था 4,000 ब्रिक्स थे, ट्रॉली में 2,000 ब्रिक्स हैं, पूरा पूरा इस डंपर ट्रॉली का एक फिक्स्ड रेट रहता है हमारे पास। स्टैकिंग का तरीका ध्यान रखेंगे, वो जो हेडर फेस है, स्ट्रेचर फेस है, उसी अरेंजमेंट से। अगर मैं पाइल ऑफ ब्रिक्स की बात करूं कि नॉर्मली जो पाइल होती है हमारी ब्रिक्स की तो कितने हाइट तक के हम लोग रख सकते हैं, तो यहाँ पे आपके ऑलरेडी कुछ ब्रिक्स रखे हुए हैं। अगर इसकी स्टैकिंग की बात करें अपन तो नॉर्मली कितना हो सकता है, तो यहाँ पे अपन इसको नाप के देख लेते हैं कितना है ये, तो लगभग आपका 170 पे रखा हुआ है। तो अगर मैं फीट और इंच में बात करूँ तो लगभग आपका 4 फीट के पास पास है, तो 4 फीट पे आपकी ये स्टैकिंग हुई है। इससे और ऊपर रखेंगे तो गिरने के चांसेस हो जाते हैं। देख पा रहे हैं प्रॉपरली रखना है अपने को साइड पे जब भी लोकेशन है, और आसपास इतने पानी वानी ये वो है तो ब्रिक्स में तो पानी का टेंशन नहीं हो पाता है, नॉर्मली सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। सो आई होप इंजीनियर्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाते रहूँगा, बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।